हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आप लोगों की सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप लोगों ने अभी चेक किया है तो एक न्यू नोटिस आया है, एक न्यू नोटिस या एक न्यू अपडेट आप इसको कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए जो आपके ओरिजिनल पेपर्स थे वो आप लोगों के सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। जैसे कि पहले आप लोगों के पास में मेल पर पेपर आए होंगे, आपकी रिस्पॉन्स की आई होगी कि उसमें आपके आंसर्स भी मार्क थे, और जिन्होंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है उसको पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिला है, जिन्होंने हिंदी में अटेम्प्ट किया है उनको अपने रिस्पॉन्स की में भी सारे क्वेश्चंस क्या है हिंदी में देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन जो आपका ओरिजिनल पेपर आप वहाँ देकर के आए हो जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस को देख सकते हो, मतलब हर क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप देख सकते हो, ठीक है, वो आपका क्या है अभी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। ये नया नोटिस है, ठीक है, ये देखेंगे आप रिस्पांस की के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये नया नोटिस आया है सीटेट 21 क्वेश्चन पेपर का, ये न्यू नोटिस है, ठीक है। रिस्पांस की वाला नोटिस आपका यहाँ है और ये एक नया नोटिस है, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपके सामने ये पेज खुल करके आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम की डेट सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम जो है उसका आपको मतलब देखना है। तो जैसे कि अगर मैं 1 जनवरी सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर आपको यहाँ पे पेपर सिलेक्ट करना है कि आपको पेपर 1 या पेपर 2 कौन सा एग्ज़ाम आपको देखना है। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे आपके सामने वो पेपर खुल करके आ जाएगा और वो पेपर दोनों लैंग्वेजेज में होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपने कौन सा किस तरीके से लिया, हिंदी एंड इंग्लिश था या इंग्लिश एंड हिंदी था। तो हिंदी एंड इंग्लिश का अगर मैं इसमें से चूज़ करती हूँ तो आप लोगों के सामने ये पेपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये पेपर डाउनलोड हो जाएगा और अब आप इस पेपर को देख सकते हैं। ये आपका ओरिजिनल पेपर जो आप वहाँ पर देख करके आए हैं वो पेपर है, क्वेश्चन पेपर नंबर आप देख सकते हैं और इसमें आपने जो सब्जेक्ट नेम लिया है वो है आपका, इसके अलावा आपका ऑनलाइन पेपर हुआ है और कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे खास ये है कि ये देखिए ये क्वेश्चन आपका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी, वो अगर इंग्लिश में अटैम्प्ट करके आ गए हैं तो उन्हें हिंदी में चाहिए अभी पेपर अगर देखना है उनको, या इंग्लिश में अटैम्प्ट करके आए हैं तो एक बार के लिए उनको पेपर को अगर रीचेक करना है दोनों लैंग्वेजेज़ में, तो अभी आपका ये पेपर जो है ये ओरिजिनल पेपर आपका अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट था ये, इसके बाद आप लोगों की आंसर की बहुत जल्द मुझे लगता है जारी हो जाएगी, क्योंकि सीटेट जो है रेगुलर अपडेट कर रहा है अपनी वेबसाइट को, तो आपकी आंसर की आपको आज या कल में मुझे लगता है देखने के लिए मिलनी चाहिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।